हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम एमएस एक्सेल में सम के फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएस एक्सेल में जो सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो सम का ही फार्मूला आता है, जैसे कि किसी डिजिट्स को प्लस करना या फिर किसी यूनिट्स को प्लस करना। इसको हम तीन तरीकों से कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। इसको आप ज़रूर देखना, ये आपके बहुत काम आएगा। हाँ जी, सबसे पहले हम एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे। देखो, एम एस एक्सेल की स्प्रेडशीट है वो हमारे सामने है। यहाँ पे सम का जो फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे कुछ यूनिट्स को टाइप करेंगे, जैसे कि 485। इसको हमको प्लस करना है, जैसे कि हमने ये चार यूनिट्स को टाइप किया है, ठीक है, इसको हम प्लस करना है। इसके जो नीचे वाला जो सेल है, जो हमने जो नंबर ये टाइप किया है, ठीक है, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे सम वाला। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू। देखो दोस्तों, एम एस एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले जो नंबर टाइप होता है वो है इक्वल टू। इक्वल टू आपको ज़रूर प्रेस करना है जब हम एम एस एक्सेल में कोई फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू के बाद हम लगाएंगे एस यू एम, सम का ही फार्मूला है, एस यू एम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हमें क्या करना है, जो यूनिट्स आपने जो टाइप की हुई है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज करना है, जो जीरो नंबर पे होती है। इसके बाद हम एंटर दबाएंगे। देखो, इसका आंसर बड़ी आसानी से आ चुका है। इसको हम दोबारा करके देख लेते हैं। दोबारा देख लो, सबसे पहले इक्वल टू एस यू एम सम ब्रैकेट स्टार्ट, जो आपने यूनिट्स जो आपने टाइप की हुई है उसको सिलेक्ट कर लो, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दो, फिर एंटर, ठीक है। इसका जो आंसर है वो बड़ी आसानी से आ गया है, आप ये कर सकते हैं डिलीट। ये है पहला तरीका। जो दूसरा तरीका है उसके लिए आपको ये सभी यूनिट्स सबसे पहले सिलेक्ट करने होंगे और नीचे वाला सेल जो खाली है उसको भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि वहीं पे इसका आंसर आएगा ना, वहाँ पे हम वो भी हमने सेलेक्ट करना है। अब हमने क्या करना है, अल्टर, जो लेफ्ट के लेफ्ट हैंड आपके अल्टर है उसको आप प्रेस करना है और इक्वल टू, इन दोनों को प्रेस कर दो, फिर भी आंसर आ सकता है, ठीक है। ये देखो, फिर भी आंसर बड़ी आसानी से आ चुका है। ये था दूसरा तरीका। नेक्स्ट वाला जो तरीका है, जो तरीका है वो भी बहुत सिंपल है। जैसे कि आपने वैसे वैसे सभी जो सिलेक्ट करना है, जो आपने यूनिट्स और नीचे वाला सेल भी जो खाली है उसको भी आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे एक आउट ऑफ सम वाला आउट ऑफ सम वाली ऑप्शन होती है, ठीक है। इसको आप बस एक बार आपको सिलेक्ट करना है, फिर भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो, इसका आंसर फिर भी आ चुका है। तो ये थे कुछ थ्री टाइप्स जो बहुत सिंपल है एम एस एक्सेल में किसी चीज़ को, जब कितनी भी यूनिट्स है उसको आप सभी को प्लस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।